जी, वेलकम है आपका राधा की रसोई में। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। आइए शुरू करते हैं रेसिपी। ये मैंने लौकी ली है, छील लिया इसको अच्छे से, और जो बीच में सेंटर में जो बीज होते हैं वो भी रब कर लिए, वो हटा लिए मैंने इस तरह से। ये चीज़ होती है अगर बीच में, अब कोफ्ते बनाते हैं हम लौकी के, तो ये बीज हो बीज में तो वो अच्छे नहीं बनते, सख्त से बनते हैं, बीज नहीं होने चाहिए, इस करके इसको साइड में हटा लेना चाहिए। मैंने इस तरह से कर लिया। और ये लिया मैंने घिया चॉप करने के लिए, लौकी को चॉप करने के लिए। अब हमने कहाँ से करना है, इधर से, ये बड़ा ब्लेड है, इधर से नहीं करना हमने, ये ब्रीक है सबसे, इससे भी हमने नहीं करना लौकी को, इस तरफ से भी हमने चॉप नहीं करना। ये जो मीडियम है हमारा साइज का, इससे हमने लौकी को अच्छे से चॉप करना है इस तरह से। मीडियम साइज में अगर हम करते हैं तो कोफ्ते के जो बाइंडिंग है बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा छोटा करेंगे वो भी ठीक नहीं है, वो तो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से हमने पूरी लौकी को मिक्स कर लेना है। इस तरह हमने लौकी रेडी कर ली है। अब इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, लौकी पानी बहुत छोड़ती है, तो इसको हमने कैसे करना है, इसका पानी निकालना है हमने। ये बहुत ज़रूरी है, ये ट्रिक का आपने ध्यान से देखनी है, क्योंकि पानी छोड़ती है लौकी, फिर उससे हमारे कोफ्ते टूटने लग जाते हैं। फिर कभी हम बेसन ज़्यादा करते हैं उसमें, कभी हम पानी इस तरह से हमने सारे कर लेने, और लौकी का पानी भी हमने फेंकना नहीं है, इस तरह से अच्छे से सारा निकालना है। लौकी का पानी वैसे तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पर इसको हम सब्जी में यूज करेंगे। इस तरह से हमने पूरी लौकी ऐसे करके हमने पूरी लौकी करनी है, और इस तरह से करके हमने इसमें से पानी निकालना है। हेलो, लगातार इस मीटिंग में इसमें जुड़े रहें, रेसिपी में इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक होती हैं, जिससे हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट, रुई जैसे सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं हमारे, नरम बिल्कुल, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। हेलो, इस तरह से देखो, इसमें हमने पानी बहुत बहुत होता है, इसमें अच्छे से पानी निकालना है हमने, जिससे हमारे कोफ्ते सॉफ्ट नरम अच्छे से और टेस्टी वाले बने और टूटे भी ना। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग पानी नहीं निकालते हैं, सीधा उसमें बेसन डालते हैं और शुरू हो जाते हैं मसाले डाल के, जिससे क्या होता है कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटते रहते हैं, और पूरी सब्जी जब तैयार होती है तो कोफ्ते अंदर घुल चुके होते हैं सब्जी में। अगर हम इस तरह से पानी सारा निकालेंगे इस तरह से, अब इसमें क्या करना, हमने मसाले मिक्स करने, थोड़ा हल्दी अच्छे कलर के लिए, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, कस्तूरी मेथी, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा जीरा, और ये हमने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो भी हमने इसमें ऐड करना है।
अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने एक चीज नोट करी, मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है। नमक हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, नहीं तो लौकी ने फिर से पानी छोड़ना है। लौकी में बहुत पानी होता है। नमक हम बिल्कुल एंड में डालेंगे जब हम बिल्कुल कोफ्ते बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हमने इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग डालना है क्योंकि हमने ग्रेवी में भी डालना है नमक। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले मिक्स होने के बाद अब हम डालते हैं इसमें बेसन। इस तरह से अब हम बेसन को अच्छे से मिक्स करते हैं। अब क्या हुआ, हमारी लौकी को बाइंडिंग मिल गई, अब बहुत अच्छे कोफ्ते तैयार होंगे। अब हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जल्दी जल्दी हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया था बेसन का, उसमें से भी अभी एक डेढ़ चम्मच इसी में ही है अभी। तो अगर हम लौकी का पानी निकाल लेते हैं तो हमें बेसन भी कम